उसी टाइप का है, बस यह कह रहा है बीडी जो है वन बाई थ्री है सीडी का। ठीक है, तो इसके सेकंड के लिए देख लो, त्रिभुज ए बी सी में एडी लंब है बी सी, और कह रहा है कि बी डी जो है ना वन बाई थर्ड है सी डी का। मैं यहाँ पे एक त्रिभुज बना देता हूं, ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरह से। चलो यह त्रिभुज हो गया ए बी सी। अच्छा, ए डी लंब खींचना है हमें बी सी पर, चूंकि ए डी लंब है बी सी पर, समझ रहे ना, ए डी लंब है बी सी पर, और यहाँ बी डी जो है ना सी डी का वन बाई थर्ड है, तो इसलिए मैं इधर थोड़ा छोटा हिस्सा लिया, ये बड़ा हिस्सा लिया इसीलिए। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, सी डी बराबर में थ्री बी डी, सी डी थ्री बी डी के बराबर है। तो सिद्ध करना है, टू सी ए स्क्वायर जो होगा ना टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के बराबर होगा। इसका प्रमाण देखो ना, ये भी बहुत सिंपल है, यहाँ जबकि सी डी जो है ना सी डी दिया है थ्री बी डी के बराबर, इसको हम लोग लेके चलते हैं सी डी थ्री बी डी के बराबर है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अगर बी सी के वैल्यू की बात करूँ तो बी सी का जो वैल्यू होगा, बी सी का वैल्यू वह बी डी प्लस में थ्री, बी डी प्लस में सी डी हो जाएगा, बी डी प्लस में सी डी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो सी डी के जगह पर मैं एक काम करता हूँ, थ्री बी डी रख देता हूँ, तो बी डी प्लस में थ्री बी डी यानी फोर बी डी के बराबर हो जाएगा। यानी कि मैं अगर यहाँ चाहूँ तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि बी डी जो है ना वन बाई फोर है बी सी का, ये जाके इसमें भाग कर गया। अच्छा, अगर मैं सी डी के वैल्यू की बात करूंगा तो सी डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो सी डी थ्री बी डी के बराबर है, यानी थ्री इंटू में बी डी का वैल्यू यही रख देता हूँ वन बाई फोर बी सी, यानी कि हो जाएगा यह थ्री बाई फोर बी सी, आपके पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। अब एक का कम करना कि त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में यहाँ देखो इस सी ए का स्क्वायर, देखो यहाँ पे टू सी ए दिया है ना जी, तो उसी को लेंगे, सी ए का स्क्वायर बराबर में हो जाएगा आपका ए डी का स्क्वायर माइनस प्लस में सी डी का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा। तो इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए डी स्क्वायर बराबर में, इसको लाके घटा के, सी ए का स्क्वायर माइनस में सी डी का स्क्वायर, इसको समीकरण एक। इस तरह त्रिभुज ए बी डी में आओ, ए बी डी में, तो ए बी डी में आप क्या लिख सकते हैं, तो इसमें ले सकता हूं मैं ए डी स्क्वायर बराबर, डायरेक्ट लिख देता हूं ए बी स्क्वायर माइनस में बी डी का स्क्वायर, सेम अब उसी तरह से बना रहे हैं समीकरण एक तथा दो से, समीकरण एक तथा दो से। आगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको दिक्कत होगी, यहां से इसके बराबर सी ए स्क्वायर माइनस में सी डी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर माइनस में बी डी स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना। चलिए अब एक काम करता हूँ, इसको उधर लेके चल जाता हूँ, सी ए स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस में सी डी स्क्वायर माइनस में बी डी स्क्वायर। तो अब तो सेम वही काम करना है ना जी, यहाँ पे आप देखो सी डी और बी डी का वैल्यू रखते हैं, सी ए स्क्वायर बराबर में ए बी स्क्वायर प्लस में सी डी का वैल्यू कितना है, तो सी डी का वैल्यू ऊपर आप लोग देखो सी डी बराबर थ्री बाई फोर बी सी है, और यहाँ पे हम लोग बी डी बराबर वन बाई फोर बी सी लिखा है, तो इसके लिए थ्री बाई फोर बी सी का स्क्वायर, अच्छा, और इसके लिए वन बाई फोर बी सी का स्क्वायर। सेम अब आगे सॉल्व करेंगे, दो स्टेप में आपका आ जाएगा, क्योंकि वीडियो लंबा होते जा रहा है, यहीं पे मैं इन करता हूँ, पिछले क्वेश्चन की तरह ही एलसीएम लेके घटा देना है और आपको सिंप्लीफाई कर देना, बन जाएगा यार, या मैं कर ही देता हूँ यार, इतना क्यों छोड़ू, सी ए स्क्वायर बराबर में ए बी स्क्वायर, यहाँ नौ बट्टा सोलह बी सी स्क्वायर और माइनस एक बट्टा सोलह बी सी स्क्वायर, एलसीएम लेके यहाँ पे घटाएंगे, ए बी स्क्वायर प्लस आठ बट्टा सोलह बी सी स्क्वायर हो जाएगा। चलिए यह कट जाएगा, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, सी ए स्क्वायर बराबर यहाँ टू होगा, टू ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर, यहाँ आके इधर गुना कर देगा, यानी कि टू सी ए स्क्वायर बराबर में टू
बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर हो गया। इस वीडियो को यहीं पे इन करते हैं, प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाना, आपको पूरे बुक का लिंक मिलेगा, भारती भवन, एनसीईआरटी, केसीसी ना, सबका लिंक मिलेगा। प्लीज लाइक एंड शेयर करेंगे और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो आपको कैसे लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।